हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन शॉर्ट्स एंड वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं और मेरे चैनल के बात करने वाले हैं। और आप लोगों ने हमको इतना प्यार दिया है, थैंक यू फ्रेंड्स, हमें इतना प्यार कीजिए, शो सम लव, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं। तो पहले इफ आई से, अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे शॉर्ट्स रहते हैं ना, शॉर्ट्स जैसे कि मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ, दोज आर क्रॉस्ड ओवर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 35 मिलियन, क्रोर, 1000, तो उतना क्रॉस हुआ है मेरा शॉर्ट्स के वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ मेरी वीडियोस क्यों नहीं होते हैं, पर आज तक मेरे कोई भी वीडियो में 1000 व्यूज़ आए ही नहीं है और अभी तक भी नहीं आए। तो एक वीडियो जो कि 340 के ऊपर क्रॉस किया, 400 और सम 500, इट 600 और समथिंग, तो वो मुझे पसंद आया। तो ऐसे ही 1000 से पहुंचा दीजिए आप। मुझे वो पसंद आया क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेरे वीडियो इतने व्यू से आए, कभी आए नहीं। और वो वीडियो आप सोच रहे होंगे कौन सा वीडियो है, तो वो वीडियो है पापी गुड़िया, ये। तो वो सीरीज़ हमको शूट करने में भी बहुत ही मज़ा आया, तो इट वॉज़ अ गुड सीरीज़। वो हमने ऑन द स्पॉट कर लिया, हमारा स्क्रिप्ट रेडी नहीं था, मैंने मासूम का डर किया था, लेकिन श्रेया वॉज़ नॉट फीलिंग वेल ऑन दैट डे, तो हम उनको पिकअप करने गए। और फिर मैंने ये पापी गुड़िया पहले ही प्लान करके रखा था, स्क्रिप्ट सब रेडी था, हम वही कर ले, हमने मतलब वही कर दिया। तो अभी हम आंसर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो शुरू करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहली बार मेरा क्वेश्चन एंड आंसर हुआ है क्यू एंड ए, ओके। तो पहला सवाल पूछा है सविता बैनर्जी ने, तो उन्होंने पूछा है कि हाउ डिड यू गेट द आइडिया टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो हाउ डिड आई गेट अ आइडिया, मतलब पहले एक दिन क्या हुआ, ASMR जो रहता है ना फ्रेंड्स, ASMR जब आपने YouTube में देखा होगा, वो खाते हैं, साउंड करते हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद आया था। और जब मैंने नानी ने एक बार लंच बनाया, तो मैंने एक अपने सेल्फ में iPad में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया और खाते खाते मेरे नानी के एयरपॉड्स यूज़ कर लिया और साउंड्स रिकॉर्ड कर लिया। और फिर मैंने दिस आई डिड व्हेन आई वाज द एज ऑफ 7 ईयर्स। और फिर मैंने गूगल में जाके सर्च किया कि अपलोड कैसे करते हैं वीडियोस, तो फ्रेंड्स वहाँ से मैंने देखा कि अपलोड कैसे करते हैं वीडियो यूट्यूब स्टूडियो। तब मुझे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता ही नहीं था, तो फिर ठीक है अपलोड कर लिया मैंने। और फिर एक दिन श्रेया, जो मेरी फ्रेंड आपको पता है, जो मेरी हर सीरीज़ में आती है, पर पापी गुड़े में नहीं आई है, ठीक है, और शी सेड दैट मूवीज़ में रहता है ना वो हीरो आके विलन को मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, हम क्यों ना ऐसे वीडियोस बनाएं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ये आया, मतलब दिस माय चैनल, मैं ऐसे ही वीडियोस बना। तो पहले मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल था, फिर श्रेया इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो जैसे कि वो घर में पंजाबी बात करती है, हिंदी बात करती है, तो उन्होंने मुझ को मतलब हिंदी सिखा दिया। तो मैं कहाँ से हूँ वो मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, चल ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो फ्रेंड्स अगली सवाल पूछा है मिसेस लीला राजपूत ने, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कैन वी नो अबाउट योर फ्रेंड्स हु केम इन योर चैनल, इन योर वीडियोस, मतलब ठीक है मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ओके, कैन वी नो अबाउट योर फ्रेंड्स हु कम इन योर वीडियोज़। तो मैं बताता हूँ कि हमारा फ्रेंडशिप कैसे हुआ। तो पहले मैंने शिफ्टेड टू माई ओल्ड हाउस, वो वहाँ पहले से ही रहती थी श्रेया, तो फिर वहाँ मैंने जाके, तो फ्रेंड्स श्रेया का फुल नाम श्रेया यशादी है, और देन फर्स्ट व्हेन वी मेट, ठीक है,
when I shifted to my old house, she was sitting there every day. So I saw her sitting there every day. So once she was playing with skates, ठीक है, skates से साथ खेल रही थी. फिर मैंने नीचे आके पूछा कि ये तुम्हारा skates है क्या, तुम यहाँ आके कर लोगे, मुझे देखना है तुम कैसे करते हो. फिर मैंने देखा, फिर उन्हें बोला क्या तुम ट्राई करना चाहते हो. ठीक है, मैंने ट्राई किया. वैसे उसको मैंने घर दिखा दिया और फिर हम दोस्त बन गए ऐसे. ठीक है, सानवी शिवांश, जानवी श्रेया का ही सिस्टर है. शी तब पैदा नहीं हुई थी जानवी, आफ्टर वन ईयर शी वॉज बॉर्न. ठीक है, ओके नेक्स्ट. नाउ और सानवी शिवांश कैसे, मतलब हाउ डिड वी गेट टू नो सानवी शिवांश. श्रेया इंट्रोड्यूस मी टू देम, क्योंकि सानवी शिवांश आई थिंक दे वर 3 or 4 years द टाइम. मैं 5, 6, 7 years का था लगता है. हाँ, 7 years ओनली. यस, तभी हम दोस्त बन के वो मेरे चैनल में ज्वाइन कर गए. ठीक है, और फिर हाँ ऐसा ही शी इंट्रोड्यूस मी टू देम. शी हैज टू प्ले विद देम बिफोर ओनली. ठीक है, हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको सबसे, ये क्या नाम है भाई, कैसा नाम है, आई कैन प्रोनाउंस सच नेम्स कुछ, हर्षुलाद्र कुछ है. ठीक है, उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा सीरीज में ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में. अच्छा, शूट करने में मुझे आया मासूम का डर, जैसे कि आपने देखा ही होगा, श्रेया के साथ मैंने बना लिया, श्रेया जानवी सानवी जो. ठीक है, तो मासूम का डर मुझे बहुत ही पसंद आया. तो शूटिंग करने में वो डायलॉग जब भूलते हैं, मैं इतना हंसता था, इतना हंसता था. पर नो प्रॉब्लम, हमारा स्क्रिप्ट रेडी था, ऑन को स्क्रिप्ट डायलॉग्स प्रैक्टिस कर लेते थे हम. ठीक है, और फिर जब देन हमको ज़्यादा मज़ा आया टू शूट मासूम का डर. ठीक है, ओ सेम क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा है, मासूम का डर मतलब क्या है और आपको कैसा आया ये आइडिया. ये आइडिया एक्चुअली ना श्रेया और जानवी का था, मोस्टली जानवी का था. जानवी ने बोला कि ऐसे वीडियो बनाते हैं ना कि एक काम वाली रहती है, मैं बच्ची हूँ, आप मेरे पापा हो जाओ, और फिर वो मुझे तंग करती है और एक दिन आप उसे पकड़ लोगे. तो फ्रेंड्स, हमने सोचा वो पार्ट वन पार्ट टू में ख़त्म कर देते हैं, बट इट्स लॉन्ग स्टोरी ना, तो मेरे को सब याद है कैसा एंड करना है, लेकिन ये 1 or 2 years होगा, पुल करेंगे हम इसको, तो वील मेक इट लाइक एपिसोड्स, लाइक फुल लॉन्ग एपिसोड्स. ओके, सो फ्रेंड्स ऐसे ही और एक चीज़, फ्रेंड्स मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, गाइस देखिए मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियोस बना के डाल रहा था, तब थोड़े से कमेंट्स आए थे कह कि मेरे भी काम वाली मेरे साथ ऐसे करती है, शी बिहेव लाइक दिस विथ मी, मेरे साथ अच्छे अच्छा करती है. प्लीज़ डोंट थिंक वो काम वाली नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छी है. ठीक है, और ऐसे ही हमको ये सब आइडिया आया नेको. ठीक है, और हाँ बस हो गया, इतना ही हमारा मतलब माई जर्नी फ्रॉम 7 years to 12 years. ठीक है, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन. और मेरा वीडियो आता है हर मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे. तब तक के लिए बाय.